हेलो, मैं सैयद मोइनुद्दीन, आप लोगों का यार दोस्त और हमेशा की तरह आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। कुछ छुट्टियां थी हमारी नए साल और साथ ही साथ दिसंबर 25 तारीख की, आप सब लोगों को तो पता है क्रिसमस वगैरह सब मनाया जाता है दुनिया भर में। तो इसी के चलते दौरान हम लोगों की कुछ छुट्टी थी, तो आज छुट्टी के बाद फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आज हम लोग बात करेंगे यूटेरा प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए, मैं दिल वालों की दिल्ली से सैयद मोइनुद्दीन आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। स्काईबोर्ड कम्युनिटी की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करता हूं मैं और आज हम बात करेंगे यूटेरा प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि मैंने अपना तारुफ आप लोगों को करवा दिया, मेरा नाम है सैयद मोइनुद्दीन और मैं एक स्पीकर के तौर पे और साथ ही साथ एक लीडर के तौर पे SWC कम्युनिटी, स्काईबोर्ड कम्युनिटी में भारत अपने भारत को ये करता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आज का जो विशेष जो टॉपिक है ये एक बहुत ही एक सुनहरा और अनोखा अवसर है आप लोगों के सामने हम लोग फिर से एक बार लेकर आए हैं, जिसका नाम है यूटेरा प्रोजेक्ट, मतलब यूटेरा। इसका प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा ओवरव्यू है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यूटेरा जैसे मैंने बताया और जिसको हम सपोर्ट करते हैं, और ये कुछ हमारा लोगो इस तरीके का दिखता है और ये हमारे एनाटोली जी, जो कि एनाटोली यूनिट्स यूनिट एनाटोली यूनिट्स की यद्योर्दोविक पूरा इनका नाम है, जो कि ये प्रोजेक्ट भी इन्हीं का है और ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से इन्होंने यूज का है, जो कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का जो एक प्रोडक्ट है यूज का है, उसको भी इन्होंने डिजाइन किया है और पूरी दुनिया भर में उसको सामने लेकर आए हैं ताकि लोगों की सहूलत हो ट्रैवल करने में। उसी तरीके से अभी यूटेरा प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, जो कि ये बंजर जमीनों को फिर से हरियाली लाने के लिए काम आती है, वो वाला एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने अभी अभी जिसके बारे में जिक्र किया था, जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यू स्काई, जो कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक की कंपनी की तरफ से ही है, उसमें जो है अभी जो है फाइनल स्तर पर है, जो कि आखिरी स्तर पर है और ये बहुत ही जल्दी फाइनल स्टेज खत्म भी होने वाला है, जिसकी वजह से हमारे साथ साथ दुनिया के कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि हरियाली की तरफ ज्यादा अपना ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि दुनिया में जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारी इतनी एक पानी हवा बहुत सारे ऐसे चीजों एकदम इतने प्रदूषण की वजह से इतने टॉक्सिक हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें हरियाली की तरफ बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। और एक तरीके का हम लोग एक समुदाय भी बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं, जो कि ह्यूमैनिटी एक जो कि एक जो ह्यूमैनिटी जो है वो एक नए स्तर पर जा रही है, जो कि नए डिस्कवरीज की तरफ ध्यान दे रही है और ये एक ग्लोबल इकोलॉजी की तरफ भी ध्यान देने वाला एक प्रोजेक्ट है और इसके साथ ही साथ ये एक आर्थिक समस्याओं का भी एक समाधान बन सकता है। और एक सॉइल डिसर्टिफिकेशन, कहने का मतलब सॉइल डिसर्टिफिकेशन क्या होता है, कई बार जो जमीन होती है वो बंजर हो जाती है और एक तरीके से मर जाती है, किसी भी तरीके की काम नहीं आती है, और ऐसी जमीन जो है दुनिया में बहुत ज्यादा है और एक एक एक्यूट प्रॉब्लम बन चुका है दुनिया के सामने। अब सारी सारे मुल्क सारे कंट्रीज इस चीज को लेकर जूझ रहे हैं। इसका कारण यह होता है कि जमीन में कई बार ऐसे रासायनिक पदार्थ वगैरह उसमें डालने से और उसमें दफनाने की वजह से क्या है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सॉइल के जो मिट्टी के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद जो एलिमेंट्स होते हैं, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से जो वहां से जो उत्पादन हो सकता है उसमें लोअर क्रॉप यील्ड्स, कहने का मतलब है जो वहां से कुछ उत्पादन हो सकता है या फिर उत्पादन होने वाली चीजों में बहुत ही ज्यादा घटौती देखी जाती है, और इसकी वजह से जो है ये अरबों खरबों लोगों की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा एक तरीके का एक बुरा असर छोड़ रहा है पूरी दुनिया भर में। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट हम कैसे ये प्रोडक्ट जो है ये किस तरीके से ये जो दुनिया भर का जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करता है ये यूटेरा प्रोजेक्ट, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये जो है 5 साल से भी ज्यादा इसके पीछे एक रिसर्च की गई है, एक इंजीनियर्स और साइंसदानों की एक टीम लगी हुई थी, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट के साथ साथ इंजीनियर्स की भी एक टीम लगी हुई थी, जो कि इस चीज को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा जिसका नाम है यूटेरा बायोह्यूमस और सॉइल एलिक्सिर के जमीन के ये जमीन का मर जाना या फिर बंजर हो जाना, इस चीज को एग्रीकल्चरल फील्ड में जैसे कि खेती बाड़ी वगैरह की चीजों में किस तरीके से इन जमीनों को बचाया जा सकता है, इसमें कम से कम 5 साल से भी ज्यादा वक्त इसमें लगाया गया।
बहुत सारे ऐसी जगहों पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसका जो इफेक्टिवनेस जो पता हुआ है इसमें इनोवेशन डेवलपमेंट में, ये बहुत सी जगहों पे इसको एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो पता चला कि इसमें एक इम्प्रूवमेंट, इफेक्टिवनेस इम्प्रूवमेंट इसमें देखा गया है ये इनोवेशन में। और यहाँ पे वर्जिन सॉइल फ्रॉम 105 रीजन्स, कहने का मतलब वर्जिन सॉइल जनरली क्या होता है, वर्जिन सॉइल वो होती है जहाँ पे किसी भी तरीके की उत्पादन नहीं हुए हो और वो मिट्टी पे किसी भी तरीके का ना ही वहाँ पे खेती हुई है ना उस जगह पे किसी भी तरीके का एक उत्पादन नहीं हुआ है, तो उनसे उस जगह को सॉ वर्जिन सॉइल्स कहते हैं। तो ऐसे 105 अलग अलग जगहों से, मतलब दुनिया भर में 105 अलग अलग जगहों से और 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के इसमें इस्तेमाल, सॉरी, इसमें कॉन्टिनेंट्स में कॉन्टिनेंट्स को इस्तेमाल करके 105 अलग अलग जगहों से ये बैंक ऑफ सॉइल्स, या फिर जैसे कि दरिया वगैरह बहते हैं उसके बगल, उसके जो किनारे होते हैं उसको बैंक्स कहते हैं, नॉर्मली रिवर बैंक्स कहते हैं उसको, लेकिन हम छोटा सा अल्फाज इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां की मिट्टी को लाके इसके यूटेरा प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने क्रिएट किया है। ये यूटेरा प्रोडक्ट जो है ये प्राइवेट हाउस होल्ड और स्टेट लेवल पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राइवेट हाउस होल्ड कहने का मतलब है घर में कई बार होता है कि छोटी मोटी, जैसे कि पुदीना हो गया, धनिया हो गया, मिर्च या छोटे मोटे टमाटर, आलू, बैंगन, ऐसी सारी चीजों को उगाया जाता है, बहुत लोगों का शौक होता है। उसके साथ साथ ये जो है एक स्टेट लेवल पे जो बड़ी बड़ी खेती बाड़ियां होती है उस जगह पे भी इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो स्टडीज हैं वो अभी तक सॉइल एलिक्सिर और बायोह्यूमस को लेकर इसमें ये देखा गया है स्टडीज के मुताबिक कि इसमें 35 से 50% इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। और साथ ही साथ जो जमीन में जो खतरनाक तरीके के जो रासायनिक पदार्थ वगैरह होते हैं, नाइट्रेट्स और रेडियो न्यूक्लाइड्स जैसी चीजें, उन चीजों को कम करके उसमें जो अलग दूसरे जो तरीके के एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उसको एनरिच करते हैं, एनरिच मतलब अच्छे खासे में एक और भी अच्छे तरीके से काम करने के लिए उसमें जान डालती है या फिर उसमें फुर्तीली आ जाती है। तो सॉइल को एनरिच करने के बाद उसके जो है बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एक अच्छे तरीके से एक्टिव होके काम करने लगते हैं। तो आइए इस प्रोजेक्ट को हम अकेले एज एक आम आदमी के तौर पर अगर देखा जाए तो हम इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से मदद कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से सहयोग, या फिर हम लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमें जो अभी जो जरूरत है वो है 20 मिलियन यूएसडी, US डॉलर्स, इस एक एम्बिशियस आइडिया को हमें साकार करने के लिए। और ये जो हम पैसा क्राउड फंड से उठाएंगे वो सारा पैसा जो है कारखाना बनाने में, और कारखाना बनने के बाद इसमें प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि स्पेशली जो है सॉइल एलिक्सिर को ये बनने में, प्रोडक्शन स्टार्ट करने में। तो ये जो फंड रेजिंग का जो है ये प्रोजेक्ट के लिए वो उसका जो वक्त जो है बहुत ही कम है और बहुत ही एक लिमिटेड पीरियड के लिए इसको निकाला गया है। और जैसे एक बार इस 20 मिलियन US डॉलर एक बार हम फंड कलेक्ट कर लेंगे या फिर रेज कर लेंगे, उसके बाद इसमें आपको निवेश करने का या फिर इसमें योगदान देने का, इसको सहयोग देने का वो जो सुनहरा और रौनक का मौका है वो खत्म हो जाएगा। दस उसके बाद साथ ही साथ इसके जरिए से आप जो मुनाफा कमाने का भी जो आपके पास अवसर होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ आंकड़ों के बारे में भी हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके के पैकेजेस हमारे पास हैं और किस तरीके के पैकेजेस आप ले सकते हो और किस किस तरीके से आप इसमें निवेश कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि एक बार हमारे पास 20 मिलियन US डॉलर के जो फंडिंग की जरूरत है, वो फंडिंग आने के बाद हमारे पास ऐसा कोई मौका नहीं रहेगा कि ताकि हम इसमें निवेश कर सकें और साथ ही साथ इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। यहाँ पे जो दिखाया गया है यहाँ पे $1 लाख, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो हिंदुस्तानी 1 करोड़ रुपए, उसके जो पैकेजेस है अभी सिर्फ 4 बचे हैं। और ये जो सारा जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ वो आज वीरवार 11 जनवरी 1, 2024 के हिसाब से जो अप टू डेट डेटा है उसके हिसाब से दिखा रहा हूँ। हो सकता है पैकेजेस जल्दी खत्म भी हो जाए या फिर आपके नसीब में हो तो आप भी ले सकते हो, या फिर मेरा कहने का मतलब है अगर पैकेजेस बच जाए तो आप भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है 50 लाख के जो है वो 2 पैकेजेस मौजूद हैं, और 20 लाख के जो पैकेज है वो दो मौजूद हैं, और 10 लाख के पैकेजेस जो है वो 70 मौजूद हैं, और 5,000 के पैकेजेस जो है वो 200,
38 पैकेजेस मौजूद हैं, और $2,000 के, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए जो हैं, उतने पैकेजेस जो हैं वो 439 पैकेजेस मौजूद हैं, और $1,000 के जो हैं वो 700 54 कहते हैं शायद, हिंदी मेरी थोड़ी सी नंबरिंग है, तो 794 पैकेजेस मौजूद हैं, और 500 पैकेजेस डॉलर की जो पैकेजेस हैं जो कि 50,000, उसका जो है 774 पैकेजेस हमारे पास अभी अवेलेबल है हाल फिलहाल में। जैसे कि मैंने बताया कि इसके क्रिएटर और डेवलपर जो है ये सेम वही हमारे एक एक जीनियस इंजीनियर के साथ साथ एक क्या बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छे खासे एक साइंसदान है, उनका नाम है एनाटोली यूनिट्स्की यूदयोर्दोविक है, वही जिन्होंने यू स्काई को इजाद किया था, जिन्होंने इनोवेट किया था, जिनका इन्वेंशन बहुत अच्छे तरीके से दुनिया में बहुत ही ज्यादा प्रशंसा हासिल कर रहा है, वही है जिन्होंने यूटेरा प्रोजेक्ट को भी बनाया है, मतलब यूटेरा प्रोडक्ट को भी बनाया, डिजाइन वगैरह सब किया है, उसके बारे में रिसर्च करके उस बहुत सारी चीजों को इनोवेट किया है। तो ये है इंजीनियर और साथ ही साथ इन्वेंटर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक जैसे कि मैंने कहा कि साइंसदान के साथ साथ ये बिजनेसमैन भी हैं, और इन्होंने अब तक जो है 140 ऐसे डेवलपमेंट्स किए हैं जो कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक नए रास्ते खोल सकता है, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स को इन्होंने लिखा है, और कहने का मतलब वो आने वाले फ्यूचर में इम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, और उसके साथ ही साथ जो मोस्ट जो सिग्निफिकेंट ऑफ जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से बहुत ही ज्यादा जो प्रशंसा पूर्वक जो अभी तक इन्होंने नाम कमाया है वो है यू स्काई की वजह से, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कंपनी में जो प्रोडक्ट है यू स्काई, एक नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन, उसके जरिए से इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जा रही है। तो चलिए आने वाले 5 सालों में हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के हिसाब से, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेक्टेड जो है, ये कारखाना बन के इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होके मतलब बेसिकली कहने के बाद है कि कारखाना बन के इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो लॉन्च इसीलिए इसको इन शॉर्ट में कहा गया है, तो वो होने के 2 साल के बाद आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको आना शुरू हो जाएगा। ये आपके पैकेजेस पे किस तरीके का आपने निवेश किया है ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि इसका जो विंडो है, कहने का मतलब है एक फाइनेंस करने का जो विंडो है वो 30 से लेकर 50% तक आपको मुनाफा मिल सकता है, ये किस तरीके का पैकेज आपने खरीदा है या फिर किस तरीके का आप पैकेज इसमें निवेश करना चाहते थे उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए वो भी हम एक बार जान लेते हैं, जो वन टाइम पेमेंट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक सर्टन परसेंटेज ऑफ द कंपनीज नेट प्रॉफिट, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने $1,00,000 इसमें निवेश किया है तो आपको 55% तक का मुनाफा मिलेगा, $50,000 निवेश किया है तो आपको 50% तक का मुनाफा मिलेगा, $20,000 अगर आपने इसमें निवेश किया तो आपको 45% तक का मुनाफा मिलेगा, $10,000 अगर आपने निवेश किया तो आपको 40% तक का मुनाफा मिलेगा, $5,000 अगर आपने निवेश किया है तो आपको अच्छा 37% तक आपका मुनाफा मिलेगा, अगर आपने $2,000 अगर आपने निवेश किया है तो अगर आपको 33% तक का मुनाफा मिलेगा, अगर आपने $1,000 का पैकेज आपने लिया है तो ये आपको 28% तक का मुनाफा मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो ध्यान रखिए ये जो है ये सिंगल पेमेंट मतलब वन टाइम पेमेंट का ये मुनाफे का आंकड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पैकेजेस लिए हैं तो उसका जो आपको मुनाफा मिलेगा वो किस तरीके से थोड़ा सा डिफर करता है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, आपको कितना मिलेगा, जैसे कि $1,00,000 पे आपको 52% मुनाफा मिलेगा, $50,000 पे आपको 47% मुनाफा मिलेगा, $20,000 पे आपको 42% मुनाफा मिलेगा, $10,000 पे आपको 37% मुनाफा मिलेगा, 5,000 डॉलर पे आपको 34% मुनाफा मिलेगा, और अब $2,000 पे आपको 31% मुनाफा मिलेगा, और $1,000 में आपको 26% तक का मुनाफा मिलेगा, ज्यादा भी नहीं है सिर्फ 1 या 2-2% का ही इसमें फर्क है अगर आप देखें तो। और हमारे एक और आप सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है, तो जितने लोग भी लोगों ने इसमें यूटर प्रोजेक्ट में आप लोगों ने निवेश किया है उन सब के लिए जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो है पहले कुछ परसेंटेज में यहाँ पे डिफरेंस था, तो अभी जो है परसेंटेज को यहाँ पे बढ़ा दिया, 46% तक मिल सकता है, पर ये जैसे कि मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का निवेश किया है उसके ऊपर, और साथ ही साथ अभी जो कंपनी का जो है एनुअल एक्सपेक्टेड जो नेट प्रॉफिट है वो 20% तक इसमें रखा गया है, बाकी की चीजें आप और थोड़ा इन डिटेल में आप आराम से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि
किस तरीके के कितने नंबर्स जो हैं इसमें प्री प्रोडक्शन में जो है शेयर्स वगैरह इसमें एलोकेट किया गया है एक पैकेज लेने पर, एक लॉट लेने पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें किसी भी तरीके के शेयर्स नहीं है, एक तरीके के पैकेजेस हैं, एक तरीके के लॉट्स हैं, शेयर्स बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा आपने ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पे इस वाले प्रोजेक्ट में आप यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी मतलब यूज करके जो प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्ट निवेश किया था, तो वहां पे आपको मौका था कि आप को-ओनर बन सकते थे। लेकिन यहाँ पे यूटेरा के प्रोजेक्ट में आपको को-ओनर बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का शेयर्स नहीं है। तो इसी वजह से आपको इसमें निवेश करोगे तो आपको लॉट्स मिलेंगे, पैकेजेस मिलेंगे, और ये लॉट्स और पैकेजेस जो है वो आपकी निवेश के ऊपर निर्भर करेगा, जिसके वजह से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जहाँ उसके हिसाब से आपको उतना प्रतिशत मिल जाएगा। तो ये थे जैसे कि मैंने आंकड़ा कुछ बताया अभी, 1,00,000 डॉलर में 4 पैकेजेस बचे हैं, 50,000 डॉलर में 2 पैकेजेस बचे हैं, 20,000 डॉलर में 2 पैकेजेस बचे हैं, 10,000 डॉलर में 70 पैकेजेस बचे हैं, 5,000 डॉलर में 238 पैकेजेस बचे हैं, और 2,000 डॉलर में 439 पैकेजेस बचे हैं, और 1,000 डॉलर के पैकेज में आपको 794 पैकेजेस बचे हैं, और 500 डॉलर में आपको 774 पैकेजेस बचे हैं। ये जो मैं आंकड़ा आपको आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, अप टू डेट जो है वो आज के डेट के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि अवेलेबल है अभी। तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि क्या यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्सेल में जैसा दिखाया है, क्या उसी तरीके से हमें 100% इसमें मुनाफा मिल सकता है? जैसे कि मैक्सिमम अगर आपने 60,000 डॉलर का इन्वेस्ट किया है, तो क्या आपको सॉरी, अगर आपने 1 करोड़ का इसमें इन्वेस्ट किया है, तो क्या आपको 60,000 तक आपको मुनाफा मिल सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। आने वाले कुछ सालों में मतलब ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद जो कि है, और हमारी सेल्स टीम भी जो है वो इंक्लूडिंग मैं भी हूँ साथ में इसमें, तो हमारा हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि हम 100% तक का मुनाफा इस पे कमाए। जैसे कि सॉयल एलिक्सिर या फिर बायोह्यूमस प्रोडक्ट जो है वो बेचकर उसपे 100% तक का मुनाफा हम कमाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जिन्होंने भी पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा, उसमें एक करोड़ का अगर आपने पैकेज लिया, तो उसमें जो है आपको 55% तक का आपको मुनाफा मिलने का संभावना है। और साथ ही साथ ये जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रॉफिट जो है ये आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड होगा। मैं चीजों को बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ ताकि ये बहुत ज्यादा लोग थोड़ा से कंफ्यूजन में है कि कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, तो इसीलिए मैं कुछ अल्फाजों को बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, तो आप उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। तो ये डिपेंड इसीलिए करता है कि आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है, वन टाइम पेमेंट है या फिर आपने इंस्टॉलमेंट के तरीके से लिया है। और ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो जो है जितने भी निवेशक होंगे उनके दरमियान में इसको बांटा जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए, ये लोग भी बार बार मतलब कंपनी भी बार बार इस पे इसीलिए ज्यादा जोर दे रही है कि ये आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ एक और छोटा सा यहाँ पे मैं आपको इतला कर दूं कि कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें मैटर करते हैं, जो कि हमारे हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं कई सारी चीजें, जैसे कि जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक, जो कि आर्थिक समस्याओं में कभी कभी कई बार जंग वगैरह छिड़ जाती है, तो इस पे इकोनॉमिक का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से भी जो है हमारे रिजल्ट्स पे थोड़ा सा असर हो सकता है। लेकिन हम जो अभी प्रॉमिस कर रहे हैं उस प्रॉमिस को पूरा रखने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों ने आपसे जो वादा किया है उतना ही आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। और हम चाहते हैं कि हमारे गोल्स जो है वो हम उसी तरीके से अचीव करें जिस तरीके से हम लोग उम्मीद लगाए हैं। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आइए हमारे साथ जुड़िए, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करिए। ये हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है, जो कि एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए एक जो वातावरण की जरूरत है वो मिलेगा। तो यहाँ पे जो है सेकेंड राउंड का जो हमारा फंड रोजिंग का जो डेट था वो 20 दिसंबर 2023 तक था, तो उसको अभी हम लोगों ने क्या कर दिया है, थोड़ा सा एक्सटेंड करके एंड डेट जो है 29 फरवरी, जो कि लीप ईयर है, 2024 तक हम लोगों ने उसको एक्सटेंड कर दिया है एंड डेट को। तो फिर से एक बार हम लोगों के पास एक अनोखा और सुनहरा मौका है कि हम इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी जो है सेकेंड राउंड फंड रेजिंग का जो इसमें जो प्रोमो चल रहा है, वो प्रोमो के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं, और ये भी मैं थर्सडे आज मतलब वीरवार 11 जनवरी 1
सॉरी 11 जनवरी 2024 के हिसाब से यहाँ पे डेट और टाइम इसको मैंने अपडेट करके आपके लोगों के सामने बता रहा हूँ। लेकिन ये इसका जो अभी जो प्रोमो चल रहा है ये सिर्फ 7 दिन और बाकी है। 7 दिन के अंदर अंदर चाहो तो आप निवेश करके इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं आपको छोटा सा एक कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए $10,000 का जो यहाँ पे दिखा रहा है 70 पीसेस इसमें अभी मौजूद है, मतलब पैकेजेस मौजूद है। तो ये जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने $10,000 का अगर आपने निवेश करने का इरादा किया है, अगर आपने वन टाइम पेमेंट किया तो आपको मिलेगा 40% तक इसका इसमें इसका आपको मुनाफा मिलेगा। अगर आपने इंस्टॉलमेंट के जरिए से पे करेंगे $10,000, मतलब हर महीना हजार हजार डॉलर, जो कि 10 महीने का इसमें ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने फुल टाइम एक बार पे कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे वन टाइम के लिए 40% आपको मुनाफे का वादा किया गया है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट के जरिए से लेते हैं 10 महीने हजार हजार डॉलर करके पे करते हैं $10,000, तो आपको 37% का यहाँ पे मुनाफे का वादा किया गया है, जो कि कंपनी का जो एनुअल एक्सपेक्टेड जो नेट प्रॉफिट है, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको स्लाइड में बताया था 20% यहाँ पे माना गया है। तो उसके हिसाब से 40% का जो 20% बनता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको 8% एनुअल जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो इतना मिलेगा, या फिर $800 जब भी आपको डिविडेंड्स दिया जाएगा उसके हिसाब से $800 में दिया जाएगा, या फिर अगर आप चाहो तो परसेंटेज में भी कैलकुलेट करके इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने पे इतना मिलेगा $800 और 40% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन 10,000 फॉर वन टाइम पेमेंट। अगर आपने $10,000 को इंस्टॉलमेंट में बांधा हो तो आपको 37% मिलेगा, जिसका कंपनी का जो यहाँ पे 20% जो मुनाफा है नेट प्रॉफिट जो है उसके अंदर अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ पे आपको 7.40% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, या फिर 740 मतलब $740 के हिसाब से आपको इसमें डिविडेंड्स दिया जाएगा। सॉरी ये आपको नेट प्रॉफिट में से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिया जाएगा, सॉरी डिविडेंड्स नहीं है, बाय मिस्टेक बोल बोल के आदत सी हो गई है। तो यहाँ पे आपको जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको $740 मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि $1,00,000 के जो पैकेजेस अभी 4 हैं, $50,000 के 2 पैकेजेस बचे हैं और $20,000 के जो है 2 पैकेजेस बचे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 55% है, 50% है और 45% यहाँ पे दिखाया गया है। अगर यहाँ पे अगर आपने $1,00,000 वाला अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं, ये तो ये वन टाइम पेमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट का इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आपने वन टाइम पेमेंट अगर आपने $1,00,000 अगर ने पे कर दिया तो आप हो जाएंगे 55% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल, और साथ ही साथ आपको $5,000 का कैशबैक मिलेगा। और साथ ही साथ ये जैसे ही पेमेंट आप कंप्लीट कर दोगे तो आपको 1:100 डिस्काउंट का जो कूपन है वो मिलेगा, और ये कूपन जो है वो आप यूज काय के पोर्शंस को बाई करने में आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये कूपन सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल होगा। और साथ ही साथ प्रीमियम क्लब मेंबर्स के लिए यूएई का एक टूर करने सफर करने का भी मौका मिलेगा। तो यही सारा ऑप्शन ये आपको $50,000 में और साथ ही साथ $20,000 में भी वन टाइम पेमेंट ऑप्शन में ये आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे वो वन टाइम पेमेंट वाली अगर आपको जैसे पैकेजेस वगैरह दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख लीजिए $10,000 पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना मिल सकता है और लॉट्स कितने बचे हैं, और $5,000 में, $2,000 में, $1,000 में और $5,000 में डॉलर में किस तरीके के आपको यहाँ पे कैशबैक मिलेगा, और साथ ही साथ कैसे तरीके के कूपन कहाँ मिलेंगे कब मिलेंगे ये दिखाओगे। और ये है आपका इंस्टॉलमेंट फॉर 10 मंथ्स। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप वही चीज $1,00,000 अगर आप इंस्टॉलमेंट में बांधेंगे तो आपको 10 महीने का मौका मिलेगा, आपको हर महीना $10,000 पे करना पड़ेगा। इसमें जो है अभी फिलहाल 4 पैकेजेस मौजूद हैं, और इसमें जो है आपको 52% मतलब 52% आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्ट मिलेगा। यहाँ पे भी आपको कैशबैक $5,000 मिलेंगे और पैकेजेस विद 1:100 वाला डिस्काउंट का कूपन भी मिलेगा। ये पैकेजेस आपका ये जो है ये आपको इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करने के बाद ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, और उसके बाद यूएई और के टूर के साथ साथ प्रीमियम क्लब मेंबर्स के लिए वहां पे सफर करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे हम थोड़ा सा नीचे आके देखें तो यहाँ पे जो है ये $2,000 तक ही आपका ये कैशबैक और डिस्काउंट का ऑफर मिलेगा। लेकिन इसमें जो है यूएई और प्रीमियम क्लब मेंबर्स के लिए यूएई का सफर नहीं है, वो सिर्फ 2 ही पैकेजेस पे अवेलेबल मिलेगा, जो कि सफर करने का मौका हो $50,000 पे और $1,00,000 पे। ये इंस्टॉलमेंट में भी है और वन टाइम पेमेंट में भी है, और यहाँ पे 1,000 पे और 500 पे आपको किसी भी तरीके का ना ही सॉरी ये कैशबैक मिलेगा, कूपन जरूर मिलेगा।
$500 में और $1,000 के पैकेज में। $500 में कूपन भी नहीं है, कैशबैक भी नहीं है, सॉरी। $1,000 पे आपको कूपन मिलेगा इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करने के बाद, लेकिन यहाँ पे कैशबैक नहीं है। तो ये है हमारा नए साल का एक जो बोनस जो है, जैसे कि मैंने बताया कि आप जितना ज्यादा हायर पैकेजेस इसमें यूटर्न के पैकेजेस या फिर लॉट्स खरीदने में लगाएंगे, निवेश करेंगे, उसी के हिसाब से आपको 1:100 वाला डिस्काउंट का पैकेज और कूपन और बाकी बहुत सारे प्राइजेस भी इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो चीज मैं आपको बताई थी वही चीज यहाँ पे नंबर ऑफ बोनस डिपेंड्स ऑन किस तरीके का आप अमाउंट या फिर निवेश करेंगे उसके ऊपर डिपेंड होके ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। $1,000 का अगर आप लॉट अगर आप लेते हैं तो आपको 1:100 का डिस्काउंट का पैकेजेस लेने पे डिस्काउंट का कूपन मिलेगा। इसमें किसी भी तरीके का कैशबैक नहीं है, सिर्फ आपको मिलेगा कूपन मिलेगा। लेकिन $2,000 पे आपको $60 कैशबैक मिलेगा और साथ ही साथ आपको कूपन भी मिलेगा, और $5,000 पे आपको 1:100 डिस्काउंट कूपन मिलेगा और $150 का कैशबैक भी मिलेगा। $10,000 पे आपको 1:100 का कूपन मिलेगा और $500 का कैशबैक मिलेगा। $20,000 पे आपको 1:100 का डिस्काउंट कूपन मिलेगा और $1,000 का कैशबैक मिलेगा। $50,000 पे आपको 1:100 डिस्काउंट का पैकेज मिलेगा और साथ ही साथ $2,500 का ये मिले कैशबैक मिलेगा। उसके साथ साथ UAE और प्रीमियम क्लब मेंबर्स के लिए UAE का टूर करने का मौका मिलेगा। और जैसे इसी तरीके से $1,00,000 अगर आप इसमें निवेश कर सकते हो, निवेश करते हो तो आपको 1:100 डिस्काउंट का कूपन मिलेगा पैकेजेस लेने पे और $5,000 कैशबैक मिलेगा, साथ ही साथ यूएई का टूर करने का मौका मिलेगा और प्रीमियम क्लब मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पे एक और चीज थोड़ा सा नोट करने वाली बात है कि ये जो बोनस जो है फुल पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही इसमें मिलेगा, जो चाहे इंस्टॉलमेंट हो या फिर वन टाइम पेमेंट हो। वन टाइम पेमेंट में तो जैसे आप निवेश करोगे आपको इंस्टेंटली आ जाता है कूपन वगैरह, लेकिन इंस्टॉलमेंट में आपको पूरे इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। और साथ ही साथ अगर इन केस अगर प्रमोशन एंड होने से पहले अगर आपने नहीं किया और प्रमोशन एंड हो गया तो इसमें आपको किसी भी तरीके का बोनस इसमें नहीं मिलेगा। तो ये प्रमोशन एंड होने से पहले पहले आपको सारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है हमारा मिडिल ईस्ट एग्रो इंडस्ट्रीज, जो कि अभी रिसेंटली एक एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि किस तरीके का कारखाना बनेगा और कैसे दिखता है। एक तरीके से अच्छा सा एक डेवलपमेंट सिलेक्शन करके उसका एक ब्लूप्रिंट वगैरह हम दिखा के यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है कि कारखाना किस तरीके से दिखेगा, तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली जो है एक फॉरेन कंट्री को एक इसका फेंस बनाने का मौका मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फेंसिंग वगैरह बनाते हैं। पता नहीं इसका किस तरीके का डिजाइन होगा। ये छोटी सी तस्वीर और न्यूज अपडेट आई थी इसमें बैक ऑफिस में स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के, तो वहां से मैंने ये लेके आप लोगों को सोचा कि एक बार दिखा दो। तो इसके बारे में जो कंपनी यहाँ पे इस चीज को लेने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली है फेंसिंग वगैरह बनाने के लिए, उसके थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दिया गया है, तो आप पढ़ के सारी चीजें जानकारी हासिल कर सकते हो इन डिटेल में। तो यहाँ पे एक और सवाल है कि साल में कितने बार हमें इसके प्रॉफिट्स या फिर डिविडेंड्स दिया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए क्वार्टर में एक बार देने का इरादा किया गया है। क्वार्टर उसे कहते हैं जो कि साल में 3 महीने में एक बार जो आता है उसको क्वार्टर कहते हैं, और साल में हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। हर 3 महीने को ब्रेक करोगे तो आपको 4 क्वार्टर्स मिलेंगे। तो अभी फिलहाल जो है साल में एक बार, सॉरी क्वार्टर में एक बार प्रॉफिट देने का इरादा किया गया है। और ये जितने भी निवेशक होंगे उनको उनके अकाउंट में बैक ऑफिस में इसके बारे में इत्तला कर दी जाएगी, और जो प्रॉफिट वगैरह होगा, जो मुनाफा वगैरह होगा, वो बिजनेस प्लान के हिसाब से जो, और जो आपके पैकेजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारे यूज कवरी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपको इत्तला कर देंगे। तो यहाँ पे एक और अहम सवाल है कि कितनी देर तक ये इन्वेस्टमेंट रुकेगा। कहने का मतलब है कि ये प्रॉफिट वगैरह इसमें मिलेगा, सॉरी ये सॉरी इसमें इन्वेस्टमेंट विल लास्ट। तो ये जो है इसमें निवेश करने का जो मौका जो है ये सारा हमारा सेल्स टीम के ऊपर डिपेंडेंट है, और कितनी जल्दी हम कारखाना बना लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन को हम जितना जल्दी हो सके वो सारी चीजों को स्टार्ट करते थे, ये सारा का सारा फंड रेजिंग पे और हमारी टीम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम काम करते हैं। और एक और अहम सवाल है कि कितना वक्त लगेगा ये प्रॉफिट या फिर डिविडेंड्स को देने के लिए।
तो जब तक इसका कारखाने का में प्रोडक्शन चलता रहेगा, कारखाने में प्रोडक्शन चलता रहेगा, मार्केट में इसकी डिमांड रहेगी, और जब तक लोग इसको पसंद करते रहेंगे, तब तक इसका जो है आप मुनाफे का फायदा उठा सकते हो। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें सबसे जो ज्यादा जो मेन भागीदारी है वो कौन कौन है। हमारे WIG जो कि SWC कंपनी उसी के अंडर में आती है, उनका जो है 5% इसमें हिस्सा है, और यूज कवरी DMCC का जो है 90% इसमें हिस्सा है, और यूनिट्स की का जो है वो 5% इस प्रोजेक्ट में हिस्सा है। तो ये हम हमारे 3 अलग-अलग भागीदारी इसमें शामिल है। तो ऐसा कोई इरादा है कि हम IPO में जा सकते हैं, और कब इसको प्लान किया गया है? तो इसका जवाब है जी नहीं, अभी हाल फिलहाल के लिए ऐसा कुछ प्लान हम लोगों ने नहीं किया है, ना ही किसी भी तरीके का IPO का इरादा किया है, बट हो सकता है आने वाले दिनों में, और ये वक्त ही तय करेगा। तो ये कंपनी के CEO कौन है वो भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, और ये हैं बुगाइव एवजिनी, जो कि यूटेरा मिडल ईस्ट इंडस्ट्रीज के CEO हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। और इसके कितने बोर्ड मेंबर्स हैं, तो उसका भी जवाब है जी नहीं, हमारे पास अभी हाल फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट और इस कंपनी को लेकर किसी भी तरीके के बोर्ड मेंबर्स मौजूद नहीं है। तो ये भी एक अहम सवाल है कि कितने राउंड्स या फिर कब तक ये फंड रेजिंग चलेगी, वो सारे डिटेल आप थोड़ा सा इन डिटेल में वो भी जान लेते हैं। तो हमारा जो फंड रेजिंग का जो जो राउंड्स है वो 3 अलग-अलग राउंड्स में इसको बांटा गया है, और इसमें हर राउंड में जो है लॉट्स जो है पैकेज जो है उसको लिमिट कर दिया जाएगा या फिर लिमिटेड है। तो इस पे ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का निवेश करना चाहते हैं और कितना ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ जितना जल्दी आप इसमें निवेश करोगे उतना अच्छा खासा प्रतिशत का मुनाफा आप कमा पाओगे। और हम लोगों ने हाल फिलहाल में दूसरा फंड रेजिंग का राउंड अनाउंस कर दिया था, और जो कि अभी तक चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि 29 फरवरी 2024 तक इसका चलेगा, लीप ईयर तक चलेगा। और इस प्रोजेक्ट में जो है ये आप ज्यादा से ज्यादा यूटेरा प्रोजेक्ट के आप लॉट्स वगैरह खरीद सकते हैं, और इसमें 60% तक का आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी मिलने का भी मौका मिलेगा। और ये डिपेंड करता है फिर से कि आप किस तरीके का निवेश आपने किया है और कितने कितना ज्यादा निवेश इसमें किया है। तो पहला जो राउंड था वो है सितंबर 2023 में शुरू हुआ था। यहाँ पे जो है सिर्फ क्यूरेटर्स जो थे उन्हीं के लिए मौका था फर्स्ट राउंड में इसमें निवेश करने का। और ये जो फर्स्ट राउंड में था यहाँ पे इन लोगों ने अच्छा खासा इसमें निवेश करके, इसमें मेरी अपलाइन मैनेजर और मेरी मेंटोर जो है मिस कैट जेकर्स वो भी शामिल थी, तो उन्होंने भी अच्छा खासा इसमें निवेश करके उन्होंने 60% तक का कंपनी का मुनाफा इसमें हासिल कर लिया है फर्स्ट राउंड में। और सेकेंड राउंड जो है अभी जो है जैसे कि मैंने बताया कि पहले सितंबर से शुरुआत था पहला राउंड, और दूसरा राउंड जो है 13 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक, ये भी ये थोड़ा सा साइलेंट चल रहा था। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने इसमें निवेश करके इसमें प्रीमियम क्लब मेंबर्स और फर्स्ट लाइन ऑफ देयर स्ट्रक्चर जो भी प्रीमियम क्लब के मेंबर थे या फिर यूटेरा के जो फर्स्ट हमारे क्यूरेटर थे मिस कैट जेकर्स वगैरह उनकी लाइन में जो मैं था, तो मेरे लिए भी ये एक अवसर मिला था, तो मैंने भी अच्छा खासा इसमें निवेश करके रखा हुआ है। तो उसके बाद जो है 27 सितंबर के बाद जो है 29 फरवरी 2024 तक ये जो है सेकेंड राउंड जो है अभी फर्स्ट लाइन के जितने भी बंदे हैं उन लोगों के लिए खुला हुआ है। उनके बैक ऑफिस में जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा अपने SWC बैक ऑफिस में। और साथ ही साथ इसमें जो है सेकेंड राउंड में 55% तक का मुनाफा कमाने का इसमें मौका मिला है, जो कि भरपूर फायदा मैंने भी उठाया। अभी तीसरा राउंड कब शुरू होगा? तीसरा जो फंड रेजिंग का राउंड जो होगा वो हमारा दूसरा राउंड खत्म होने के बाद, जो कि लीप ईयर 29 फरवरी 2024 पे खत्म हो जाएगा। उम्मीद है ये थोड़ा सा और भी आगे जाए या फिर वहीं पे खत्म हो जाए, डिपेंड करता है कंपनी के या फिर एनाटोलॉजी के ऊपर के वो किस तरीके का सपोर्ट देंगे, कि आगे बढ़ाएंगे या फिर 29 फरवरी 2024 में खत्म कर देंगे सेकेंड राउंड। और जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड राउंड जब शुरू होगा तो ये जो है जनरल सभी के लिए, SWC के जितने भी मेंबर्स हैं वो चाहे किसी भी लाइन के मेंबर्स हो, उन सब के लिए ये एक तरीके का अवसर मिल जाएगा इसमें निवेश करने का। और यहाँ पे जो है 50% तक का जो है कंपनी का मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। आप देख रहे हो पहले था 60, उसके बाद हुआ 55, अभी हो गया 50। तो इसी तरीके से 3 अलग-अलग राउंड्स में जो है आपके मुनाफे का जो प्रतिशत है वो भी घटता जा रहा है इसमें परसेंटेज। तो यही है।
तो ये है हमारा सस्टेनेबल बायोस्फेयर क्लस्टर, कुछ इस तरीके से दिखता है। और उम्मीद है आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है तो इस प्रोजेक्ट को भी भरपूर, जैसे कि आपने जितना प्यार मोहब्बत आपने यूस्काई के लिए दिखाया, उसी तरीके से ये वाले प्रोजेक्ट को भी आप उतना ही प्यार और उतना भरोसा दिखाइए और इस प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुल बनाइए। और इसी ख्वाहिश और मनोकामना के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। तो और थोड़ा सा डिटेल जाने से पहले, आप ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो आप ये बारकोड को स्कैन करके एक्सेस, इसमें जो एक्सक्लूसिव एक्सेस है उसको हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ पूरा भरपूर फायदा उठाएं। मैं तो कहता हूँ ये ऐसे प्रोजेक्ट जो है जिंदगी में एक बार आते हैं और मौका भी एक बार आता है, सुनहरा अनोखा मौका आता है। तो आप अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसके लिए एक अच्छा सा जरिया बनाइए। तो ये है हमारा कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स, अगर आपको कोई किसी भी तरीके के सवाल हैं तो यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे जो है 8 AM to 17 PM, कहने का मतलब है ये सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर info@uterra-swc.com पे आप मेल वगैरह भेज के भी इसके बारे में डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं, या फिर आप हमें इन सारे सोशल मीडिया पे VK, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके आप सारे अपडेट्स इसमें ले सकते हो इसके बारे में। और मैं हूँ सैयद मोइनुद्दीन और यह है मेरी ऑफलाइन मैनेजर और इंडिया के लिए क्यूरेटर और रेस्पॉन्सिबल मिस कैट जेकब्स, और टॉप एक्सपर्ट भी है जिनकी अंडर में मैंने ये ट्रेनिंग ली है और बहुत सारी चीज़ों को मैंने इससे सीखा है। और मैं अभी हाल फिलहाल एक क्लाइंट के तौर पे मैंने शुरू किया था, तो अभी मैं अपने भारत को, अपने इंडिया को, अपने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ इन अच्छे और बेहतरीन प्रोजेक्ट के जरिए से। और मैं एक लीडर के तौर पे भी अभी बन गया हूँ SWC, इसमें मेरे स्ट्रक्चर में। तो ये है हमारा स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी, हम फ्यूचर को बनाते हैं। हम कहने का मतलब है कि हम नहीं बनाते किसी का फ्यूचर, ये उनके ऊपर भी निर्भर करता है, हम सपोर्ट करते हैं और हम उसको आर्थिक सुरक्षा देने की भी पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप हम इंडिया से कुछ हेल्प वगैरह चाहते हैं तो india@skyway.capital पे मेल भेज के आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ डिटेल्स वगैरह चाहिए तो भी आप मेल के जरिए से ले सकते हैं। इसको हैंडल करने भी हमारे एक साथ एक इंटरनेशनल टीम जुड़ी हुई है जो कि मिस कैट जेकब्स के अंडर में ही आती है, जिसमें हमारी मिस पारुल शर्मा भी मौजूद हैं जो कि कम्युनिटी मैनेजर और एक स्पीकर भी हैं जो कि दोनों प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है मेरी तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। india@skyway.capital में मेल भेजिए या फिर आप हमारे इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप सारी जानकारी और डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया के जरिए से SWC इंडिया चैट जो कि टेलीग्राम पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत सारी जगहों पे मौजूद है, वहां पे भी कनेक्ट करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।